आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, जिसको कि मैं भी काफ़ी दिनों से खरीदने और बनाने की सोच रही थी। तो ये है एक पुराना टायर, शायद गाड़ी का टायर है ये। ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला था, काफ़ी पहले मैं इसको लेकर आई थी। एक्चुअली मैं ये 2 लेकर आई हूँ, तो आज मैं इसका आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत DIY शेयर करूँगी। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, इसको बनाने के लिए मैं जिसकी मदद लूँगी वो है किचन में यूज़ होने वाली ये परात। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जैसे गीतों वगैरह में जाओ ना, तो वहाँ पे परात बहुत मिल जाती हैं, तो मेरे पास काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं। तो इन्हीं दोनों की मदद से मैं एक बहुत ही यूज़फुल चीज़, जो है यूज़फुल आइटम घर के लिए बनाऊंगी। तो एक तो हो गया हमारा टायर और एक हो गई परात। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक नाप का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे ये टायर है, इसके लिए मैंने जो परात ली वो इतनी बड़ी है कि इसके अंदर बहुत आराम से देखिए इस तरह से फिट हो गई है। और वैसे कोई भी परात आप यूज़ करेंगे तो किसी ना किसी तरह से अगर आपके पास बड़ी भी होगी तो वो इस टायर में फिट हो जाएगी और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और इसे आप चाहें तो उल्टा करके भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर परात ना हो तो किचन में जैसे बड़ी थालियां होती हैं उनको भी यहाँ पे रखा जा सकता है। लेकिन परात तो आप देखिएगा, अगर आपकी थोड़ी बड़ी साइज की भी होगी ना तो वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली बात आई कि जो ये मेटल की परात है इस पे कलर कैसे किया जाए। तो कलर करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो है कि मेटल पे पेंट होने वाले कौन से पेंट हैं। तो देखिए, ऑयल पेंट आते हैं, ये एशियन पेंट्स के हैं, एप्कोलाइट पेंट है। ये ऑयल पेंट्स बहुत ही आसानी से किसी भी मेटल पे आप लगा सकते हैं। इससे पहले आपको मेटल प्राइमर लगाना होता है, तो मेटल प्राइमर के बाद आप इनको लगा लीजिए। और ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे साइज इनके होते हैं। तो आप छोटी डब्बी लीजिए, वो मुश्किल से आपको 50 या 60 रुपीज़ की मिल जाएगी। और अगर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है कि आप जो है एक बड़ा डब्बा ले लीजिए वाइट कलर के ऑयल पेंट का, और हर कलर की ना स्टेनर्स आती हैं, ऑयल पेंट की स्टेनर्स आती हैं, यानी कलर आते हैं, कंसंट्रेटेड कलर होते हैं। उन स्टेनर्स को लीजिए और वाइट कलर में मिला के आप अपने मन मुताबिक कलर भी रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्प्रे पेंट का यूज भी मेटल पे बहुत आसानी से हो जाता है। और हाँ, जब कभी भी आप ऑयल पेंट का यूज करें तो ये तारपीन का तेल लेना ना भूलें, क्योंकि इसी से जो है ऑयल पेंट के दाग, ब्रशेस और जो हाथ पे निशान लग जाते हैं वो साफ होते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्प्रे पेंट से पेंट करते हैं अपनी परात को। तो कभी भी स्प्रे पेंट का यूज करें तो कागज बिछा लीजिए, और ये देखिए मैंने स्टिकर नहीं छुड़ाया था ना, इस पे बाद में मुझे हटाना पड़ा। तो इस परात के ऊपर जब कभी भी, जैसे किसी भी मेटल के ऊपर जब कभी भी आप स्प्रे पेंट करें, तो सबसे पहले तो उसे अच्छी तरीके से शेक करेंगे और उसके बाद दूर से इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे पेंट ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, जो पेंट वाली शॉप्स होती हैं उन पर भी मिल जाते हैं। ये वाइट कलर का जो स्प्रे पेंट है ये 150 रुपीज़ में मुझे मिला, और मैंने आगे पीछे से इसके ऊपर जो है 2 कोट कर लिए, और स्टिकर को मैंने बाद में निकाल लिया था। तो ये हो गई मेरी परात रेडी। और इसके बाद देखिए टायर पे जो लपेटने के लिए मैंने लिए रस्सी, देखिए कितना सुंदर इसका कलर है, और रेशम की सी ये बनी हुई है और बहुत ही सस्ती है। इतनी बड़ी रस्सी जो है ये करीब 1 kg है ये, और ये मुझे केवल 150 रुपीज़ में मिली थी। काफ़ी पहले मैं लेकर आई थी, जब मैंने जो है अपना एक स्टूल का जो है मेकओवर आपके साथ शेयर किया था। ये बेसिकली जो जानवर वगैरह होते हैं ना, गाय भैंसों को बांधने के काम में आती है, रेशम की होती है, बहुत ही सुंदर ये होती है। और ये आपको नायलॉन की रस्सी का सा लुक दे रही है, बट है ये रेशम की, कॉटन की रस्सी। वैसे ये आपको 25 से 30 रुपए मीटर मिल जाती है, बहुत ही सस्ती सी है, आप जरूर इकट्ठी खरीद के रखिएगा, ये बहुत काम आती है। और हाँ, जब कभी भी आपको घर में कोई काम करने होते हैं तो ग्लूगन की जरूरत पड़ती है। ग्लूगन जो है ये 40 वॉट की है, ये 200 रुपए की आई थी करीब, और इसमें ऑन ऑफ का बटन है। एक सिंपल आती है वो भी मेरे पास है, उसको भी मैं यूज करती हूँ, वो केवल 150 रुपीज़ की आई थी। तो अगर आपको कोई भी काम, घर के लिए कोई भी ग्लूगन चाहिए, तो आप वही 150 रुपए वाली 40 वॉट की ग्लूगन खरीद लीजिए, किसी भी स्टेशनरी की, जहाँ किताब वगैरह मिलती है ना, बुक्स वगैरह, वहाँ पे से आपको ये मिल जाएगी। ऑनलाइन थोड़ी सी ये महंगी है, लेकिन मैं आपको लिंक इसका दे दूंगी। घर में ये काफ़ी यूज होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों को चिपकाने के लिए। और इसके साथ इसकी स्टिक्स मिलती हैं, और आपको एक स्टिक 10 रुपए में इसकी मिल जाएगी।
और इस तरह से ग्लूगन की मदद से मैंने ये सारी रस्सी चिपका ली। और मैंने आपको बताया है कि खाली टाइम को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ और अब ये मेरी आदत बन चुका है। शुरुआत में तो मुझे भी लगता था कि थोड़ा सा मतलब नहीं करूँ, कुछ और काम कर लूँ, सो जाऊँ, लेकिन हाँ रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, क्रिएटिव काम करने से क्या होता है, एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। तो जैसे मैं जब कभी भी मार्केट जाती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ ले लेती हूँ जिनसे कि मैं घर के लिए कुछ बना सकूँ और उससे मेरा टाइम बहुत अच्छा कट जाता है। और इस तरह से देखिए, बातों बातों में ही ये पूरे टायर के ऊपर मैंने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरह से ये पूरी रस्सी को लपेट लिया। और रेड कलर की ये रस्सी उस शॉप पे टंगी हुई थी, सोच भी नहीं सकते कि इसे इस काम में भी लिया जा सकता है। और देखिए, एक चीज और है, जो इसका लुक आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा आ रहा है जो मार्केट में स्टूल्स मिलते हैं ना, वो करीब मिलते हैं आपको 2,500 रुपए के, 3,000 रुपए के, इसी तरीके के उसमें जो है वीविंग हुई रहती है। तो बिल्कुल वही लुक इसमें आया है इस रस्सी की मदद से। और ये जब ये पूरा रेडी होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने इसे एक टायर की मदद से बनाया है। और इसमें इतनी रस्सी ये बच भी गई जो कि आगे किसी और DIY में बहुत अच्छे से यूज हो जाएगी। तो ये जो है अब परात का यूज हम इसमें करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल परात का कलर बड़ी अच्छे से आ गया। आप चाहें तो इसमें और ड्रॉइंग वगैरह भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये रस्सी ना हो तो सिंपल जो सुतली होती हैं, वाइट कलर की रस्सियां होती हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं। अगर आप इसमें वो वाइट कलर वाली, वो सुतली वाली रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो परात पे आप पेंट भी कर लीजिए, बहुत सुंदर लगेगी। तो सबसे पहला यूज था इसे बैठने के लिए बनाने का। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर यही राउंड कुशन रख दिया और इस पे बिल्कुल फिट हो गया। इसका वीडियो चैनल पर है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर चेक करिएगा। ये मैंने घर पर ही बनाए थे और ये बिल्कुल देखिए अच्छा, बड़ा अच्छा सा कंफर्टेबल सिटिंग जो है बैठने की रेडी हो गई है। और इसमें जो है बिल्कुल भी परात हिलेगी नहीं अपनी जगह से, क्योंकि वो इसमें बिल्कुल फिट हो गई है। तो बैठने की एक बहुत ही सुंदर सिटिंग है। लोअर सिटिंग का अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं या आप सोफे का कोई ऑप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसे यूज कर रही हूँ स्टूल की तरह से। तो मैंने इसको जो अपना एक फ्लोर सोफा बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके साइड में रख दिया। किसी भी तरह से परात को रख लीजिए। तो मैंने इस तरह से रखा और कलर कॉम्बिनेशन की वजह से मैंने रेड कलर का लैंप इसके ऊपर रख दिया और इसका देखिए लुक ही चेंज हो गया। तो एक ऐसी चीज जिसमें 100 रुपीज का टायर था और करीब 150 रुपए की रस्सी थी, और तो समझ लीजिए करीब 300 रुपए का इन टोटल खर्चा आया होगा, और कितनी ही यूजफुल चीज जो है रेडी हो गई है। ये वही फ्लोर सोफा है जो मैंने बनाया था, आपके साथ शेयर किया था। और मैंने मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूँ जो आपके घर में काफ़ी काम आए और उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़े। तो इस तरह से एक पुराना टायर की मदद से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन गई, मुझे बहुत ही पसंद आई। और मैं अब ऐसा एक और बनाऊंगी और बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इनको कहाँ पे रखा है। तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुंदर एक आइटम है जो कि ये बन गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।